आदरणीय लालू प्रसाद जी के चेहरे पर अब जो मुस्कुराहट दिख रही है, अब लोगों को सुकून मिला है। और दवा और दुआ दोनों जब जिस व्यक्ति के पास अगर होता है तो जरूर काम आता है। और हम समझते हैं पूरे देशवासियों, बिहार के लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई थी, अब उनको भी सुकून मिला। तकरीबन 5 दिन से जो हालात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के थे, उसके बाद आज लालू परिवार और ख़ासतौर पर राष्ट्रीय जनता दल के जो तमाम नेता हैं, पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, उनके चेहरे पर रौनक लौटी है। क्योंकि जो तस्वीर लालू प्रसाद यादव की एम्स से आई है, जो चेहरे पर उनके मुस्कान थी, उसके बाद तमाम लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रदेश कार्यालय है उसके बाहर हम हैं, और निश्चित तौर पर जो उदासीनता यहाँ थी वो झलक रही थी, और अब लालू प्रसाद यादव की जब तस्वीर सामने आई है तो ये तमाम जो हलचल है वो पार्टी कार्यालय में दिख रहा है। देखिए, जो सन्नाटा है वो पसा है, लेकिन जो पार्टी के तमाम नेता हैं वो अब यहाँ पहुँच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर राहत की खबर है जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं उनके लिए। तो कुछ समर्थक हैं, उनसे भी जानेंगे कि लालू यादव अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है। मृत्युंजय तिवारी भी आ गए। मृत्युंजय तिवारी जी, लालू यादव की सेहत से जुड़ी खबर है, अब स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। नहीं, ये जो तस्वीर आई है नई, इसमें बहुत ही सुकून देने वाला और सुखद है और अच्छी खबर है हमारे सभी लोगों के लिए, जो उनको चाहने वाले असंख्य लोग हैं जिनकी दुआओं का असर है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के चेहरे पर अब जो मुस्कुराहट दिख रही है, अब लोगों को सुकून मिला है। और हम समझते हैं कि ऐसे परिस्थितियों में दवा से ज़्यादा दुआ का असर होता है, और ईश्वर से हम लोग सभी लोग कामना कर रहे थे कि आदरणीय लालू प्रसाद जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, और वो दिख रहा है। और हम समझते हैं पूरे देशवासियों, बिहार के लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई थी, अब उनको भी सुकून मिला। ठीक है। देखिए, अरुण जी हैं, अरुण जी लगातार हवन कर रहे थे। अरुण जी, लालू यादव की नई तस्वीर आई, स्वस्थ नज़र आ रहे हैं, स्थिरता जो है शरीर में वो नज़र आई, मुस्कान था, क्या कैसे देखते हैं? लगातार आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रभु की कृपा है कि वे स्वस्थ हो गए, उनके लिए हम लोग बहुत चिंतित थे। हम ही लोग नहीं, वो तो पूरे देश और पूरा बिहार के तमाम गरीब गुरबा के लोग चिंतित थे कि हमारे जो नेता हैं, गरीबों के नेता तो एक ही हैं, लालू जी हैं, और उनके लिए सभी लोग चिंतित थे कि कब जल्द से जल्द। हम लोग को जैसे ही मालूम चला, जो टीवी में चल गया कि लालू जी का शरीर लॉक हो गया है, तो हम लोग भीतर से हम लोग लॉक हो गए, और बहुत ही हम लोग को अजब परिस्थिति में थे। तो हम लोग ने निर्णय लिया कि चल करके हवन करवाया जाए माता रानी के दरबार में। वो शीतला मंदिर लालू जी का ही बनाया हुआ था, वहीं पर हम लोगों ने स्थान चुन करके हवन करवाया, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया। और दवा और दुआ दोनों जब जिस व्यक्ति के पास अगर होता है तो ज़रूर काम आता है, और ईश्वर, माता रानी और अल्लाह। और आज हाईकोर्ट के मजार पर चादर पोसी भी है, उनके लिए दुआ भी मांगा जाएगा, और स्वास्थ्य में सुधार है, इसके लिए भगवान को धन्यवाद। देखिए, निश्चित तौर पर जो खुशी है वो राजद कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी, नेताओं में नज़र आ रही है। जो बेचैन करने वाली वीडियो उनकी सामने आई थी, उसके बाद बिहार सहित पूरे देश में जो लालू प्रसाद यादव को चाहने वाले लोग थे वो लगातार हवन कर रहे थे। महामृत्युंजय का जो जाप है वो किया जा रहा था, विभिन्न जगहों की तस्वीरें हमने दिखाई थी, लेकिन अब चेहरे पर खुशी है। और जो राजद के सुप्रीमो हैं, उनकी जो तस्वीर आई है वो बताता है कि अब स्थिरता उनके जो सेहत खराब हुई थी उसमें लौट आई है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।